बच्चा लोग सोहम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस एग्जाम्पल 10.1 चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स है। हाँ चल एक मिनट, अपनी बात तो हुई थी बहुत सारे वीडियोस में कि सीधा वीडियो नहीं देखना है सोहम सर का, पहले पोज कर, क्वेश्चन पढ़, खुद से कुछ ट्राई कर, इमेजिनरी चित्र बना, उस चित्र में देख क्या फॉर्मूला लग सकता है। तुझे बहुत कुछ पता है इस चैप्टर में, बर्नौली पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है, रो जी एच पता है, लिक्विड कॉलम, पास्कल का लॉ पता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पता है, कुछ ना कुछ तो लगेगा। कोशिश करो और आंसर ला, मान लो नहीं आता है तो फिर वीडियो पे आ, है ना। तो चल पोज कर ले और कोशिश कर। हो गया कोशिश, चल अब मैं बताता हूँ। द टू थाई बोन्स फीमर्स, थाई बोन, थाई मतलब ये वाला पोर्शन अपनी कमर से घुटने तक का जो पोर्शन है, ये लेग्स अपने थाईज, हाँ यस, थाई के जो बोन्स है, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 cm² सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ अ मास 40 kg। इसका ड्राइंग करना पड़ेगा, देखो ह्यूमन बॉडी, अब भी जैसा भी बने एक्सेप्ट कर लेना, ह्यूमन बॉडी में कोई चित्रकार नहीं हूँ बड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटेड लगेगा। देख जैसे ये रहा अपना कमर, कमर पे अपन ने बेल्ट बांध लिया, बेल्ट कैसा बना हुआ है ऐसा चक्र जैसा, ये अरे ऐसा बेल्ट कौन पहनता है सर। ये नीचे अपना थाइज है, यहाँ से ही हो, घुटने से नीचे का पोर्शन नहीं बना रहा हूँ भाई, ये थाइज है, ठीक है। इन थाइज के अंदर दो बोन्स होती है ना, फीमर्स बोलते हैं जिनको, ये रही। इन बोन्स पे ही तो ऊपर के बॉडी का पूरा वजन टिका होता है भाई साहब। ऊपर का बॉडी बनाऊं, अरे यार ऐसे टेढ़ी हो गई बॉडी, रुको। हाँ क्या बात है सर, जिम जाते हो लगता है। अच्छा जिम नहीं जाता, चल ले हो, अब ठीक है। टाइम पास कर रहे हो सर। चलो देखो, तो ये जो अपना दो फीमर्स है, ये जो दो बोन्स है, उनके ऊपर ऊपर का ही पूरा वजन टिका हुआ होता है, पूरा सपोर्टेड होता है कि नहीं। और ये जो ऊपर का मास है वो 40 kg है, ऊपर का मास क्या है 40 kg। अरे मैं जिम जाने वाला अच्छा दिखता था ड्राइंग यार, क्या तुम लोग, बस हाँ ये जिम जा रहा हूँ मैं, ठीक है ओके। अब ये जो ऊपर का पूरा मास है वो इतना वेट पैदा करेगा mg, तो कितना फोर्स लगाएगा mg, m मतलब 40 kg, g मतलब 10, 400 न्यूटन फोर्स ये ऊपर का जो बॉडी है ना वो इन फीमर्स पे लगाता है, फिर भी हमारी थाइज और फीमर्स टिके हुए हैं। हाँ चलो आगे बढ़ो। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। अच्छा इन पे प्रेशर क्या लग रहा है, अरे यार P इज इक्वल टू F अपॉन A, सिंपल। फोर्स तो मिल गया अपने को 400 न्यूटन है ना, 400 ही है ना, हाँ। एरिया कहाँ है, तो कौन से एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है ना वो इधर 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 ऐसा सब डिवाइड हो जाएगा ना इन फीमर्स पे, तो टोटल इतना एरिया होगा। देखो क्या बोला है, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10, मतलब ये एक बोन का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 cm² है, तो टोटल दो बोन है, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इज डबल ऑफ 10 cm², इट विल बी 20 cm². अब सेमी स्क्वायर को हटाओ यार, 10^-4 लगा दो, मामला खत्म, लगाओ 20 × 10^-4, 20 × 10^4, 2 × 10^5 पास्कल, है ना, आसान सा सम आया कि नहीं मजा। लेकिन आपको भाई अब सोचो कि वीडियो पोज करके आपने कोशिश किया था, तो क्या यही सिचुएशन आपका भी बन रहा था, आपको यही समझ में आ रहा था कि इन थाइस के बोन्स की बात हो रही है, इस टाइप का कुछ लग सकता है फॉर्मूला, आया तो बहुत बढ़िया है, फिजिक्स सही जा रहा है। नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स सबको आता है, किसी को जल्दी किसी को लेट आता है, लेकिन अपने आप से एक प्रॉमिस करना दोस्त कि मान लो इस बार नहीं आया तुझे मेरे से पहले, लेकिन अगली बार जब भी ऐसा फोर्स और एरिया का मामला दिखे तो तुझे ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, फोर्स और एरिया का मैटर दिखे तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना। इतना प्रैक्टिस कर डाला जिसको, ठीक है। कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय।